हेलो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो, केड़ो हाल है। तो मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट राहुल आपके सामने फिर से मौजूद हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और इस रेसिपी का नाम है चिल्ला, जो कि नॉर्मल बेसन और चावल के आटे से बनती है। बहुत जल्दी ही ये रेसिपी तैयार हो जाती है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस रेसिपी को मेरी माँ ने मुझे बना के भेजा है और माँ के हाथ का टेस्ट तो आपको पता ही है, सबको अपने माँ के हाथ का टेस्ट बहुत ही पसंद है। तो अगर जिसने भी नहीं ट्राई किया है या जिसने भी नहीं खाया है, तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर खाएं। तो मैं आपको सीधे कनेक्ट करता हूँ अपनी माँ के साथ, और माँ लाइन पे बनी है और वो इस रेसिपी के साथ आपको बताएंगी कैसे क्या करना है क्या नहीं। तो प्लीज़ 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 ट्राई ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, थैंक यू। चलिए, लेके चलता हूँ मैं अपने घर की ओर, डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ मैं आपको अपनी माँ के साथ किचन में। गाइस, तो आज के वीडियो के साथ हाजिर है। तो आज का डिश है चावल के आटे का और बेसन का चिल्ला। तो इसको बनाने के लिए हमें बहुत ही कम आइटम चाहिए होंगे, जिससे हमारा चिल्ला तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बाउल हमें राइस फ्लोर चाहिए, एक बाउल बेसन और थोड़े थोड़े मटेरियल जैसे तेल, जमाइन, मंगरेला, नमक, बेकिंग सोडा। और उसमें मिक्स करने के लिए कुछ वेजिटेबल्स चाहिए। वेजिटेबल्स जो इजीली सबके घर में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि प्याज, मिर्ची और धनिया पत्ता। तो प्याज हम लोग दो ले सकते हैं, बिकॉज़ एक बाउल के लिए हमें दो प्याज की ही ज़रूरत पड़ती है, और चार मिर्ची और धनिया पत्ता। तो इसको हम लोग छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो इस तरह से कट करना है। और कट करके ये देखो आप, इस तरह से है गाइस। ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें बहुत सारे मटेरियल की कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए बिल्कुल बिना सोचे, बिना कुछ टेंशन लिए इसको आराम से आप घर पे बना सकते हो कभी भी और खा सकते हो, बिकॉज़ ये बहुत टेस्टी होता है। स्पेशली इससे बच्चे बड़े सब खाते हैं और सब बहुत ही खुश होते हैं। तो ये देखो आप, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काट लिया हमने। फिर इसमें हम मिक्स करेंगे राइस फ्लोर, उसके बाद बेसन, और इसमें थोड़ा थोड़ा मटेरियल ऐड करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने डाला मंगरेला, उसके बाद जमाइन, वो आपको क्वांटिटी के हिसाब से लेना है, बेकिंग पाउडर, सॉरी नॉट बेकिंग पाउडर, इट्स बेकिंग सोडा, नमक, अपने स्वाद अनुसार आप लोग अपना सॉल्ट जो भी डालें। फिर इसको मिक्स करने के लिए हम लोग बटर ऐड करेंगे। पानी थोड़े थोड़े डाल के मिक्स करेंगे ताकि वो आसानी से मिक्स हो जाए, कोई भी घोल ना बने। देख रहे हो आप, बस ऐसे ही आपको घोल तैयार करना है। तो गाइस ये देखो आप, हमारा घोल तैयार हो गया है। गाइस इसमें ना थोड़ा और टेस्ट के लिए आप गोलकी पाउडर और लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो, बट वो आप पे डिपेंड करता है।
देखो अब ये मसालेदार लग रहा है ना, तो ये मसाला वाला चिल्ला बहुत ही यमी। तो गाइस इसके बाद हम लोग गैस ऑन करेंगे। फ्लेम को हम लोग हाई फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद फिर इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा तेल ऐड करेंगे। ताकि वो चिपके ना उसपे और इजली वो निकल सके। तेल को अच्छे से फैला लेंगे। फिर उस पे उस घोल को डालेंगे। तो गाइस देख सकते हो आप पैन गर्म हो चुका है। फिर उसके बाद हम इसको डालेंगे और इसको हल्के हाथों से तवे पे फैलाएंगे। फैलाने के वक्त आपको ध्यान रखना है गैस का फ्लेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये देखो गाइस इस तरह से हम लोगों ने फैला दिया इसे। अब हम इसे थोड़े टाइम के लिए पकने देंगे। फिर जब थोड़ा वो पक जाएगा तो उसको हम लोग पलट देंगे फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे लाके। तो तेल थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे अगर कम लगे तो। फिर देख सकते हो आप जैसे कि वो रेड हो गया है, पक गया है। अब इसको हम लोग पलट देंगे। देखो गाइस कितना कलर अच्छा आया है। उसके बाद अब इधर का भी पकने देंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। फिर थोड़ा सा ऐड करेंगे तेल ताकि वो उधर चिपके ना। तो गाइस ये है आज का रेसिपी। आप देख सकते हो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम मटेरियल में बना है। तो आप घर पे ट्राई करें और खा के बताएं कैसा लगता है। तो गाइस ये देख सकते हो ये पक गया है। अब हम इसे निकालेंगे। तो गाइस देख सकते हो ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। खाने में भी वैसे ही टेस्टी है। और इसे हम सारी बनाएंगे केचप के साथ खा सकते हैं। और ऐसे ही करके हम लोग जितने मानो उतने बना सकते हैं। तो ये था आज का रेसिपी। अब मिल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो आज का वीडियो बस ये। अब आप लोग अपना कमेंट में बताएं कैसा लगा आप लोगों को।